हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यार मैं तो इस बार एग्जाम में पक्का फेल हो जाऊंगा यार, इतना सारा सिलेबस पढ़ा है, मेरे से तो एक बार भी सॉल्व नहीं हुआ यार। डोंट वरी, बी पॉजिटिव। ये ले, ये प्रोफेसर कुमार ने मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दी है। उन्होंने कहा था हम इतना भी याद कर लेंगे ना तो पास हो जाएंगे। अच्छा देखा, एक मिनट तू देख। अरे कितनी देर लगा यार, और मृणाल कहाँ है? पता नहीं यार, हर जगह देख लिया, कहीं मिल ही नहीं रहा है। अरे कहीं नहीं मिल रहा तो उसे फोन तो कर। भाईसाहब जी का फोन उसके रूम में पड़ा है और खुद पता नहीं कहाँ गया है। अरे यार बाथरूम में होगा, तुम लोगों को तो पता है ना हर दूसरे दिन उसका पेट खराब हो जाता है। बाथरूम में भी नहीं है वो, कहीं वो एग्जाम की डर से तो नहीं भाग गया? भाग गया हो सकता है, पक्का भागा होगा। बहुत तड़पा तड़पा कर मारा था उसने मुझे,
मैं भी उसे ऐसे ही दर्दनाक मौत देना चाहता हूँ, तभी मुझे शांति मिलेगी। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ सच कह रहा हूँ, अभी तक मेरी लाश उस पेड़ के पीछे गड़ी हुई है, तुम चाहो तो देख लो। क्या बात है, तुम इतने डरे हुए क्यों? वो आत्मा मुझे मारना चाहती है। आत्मा? मम्मा मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, इस जंगल में आत्मा है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें किसी के कदमों के चलने की आवाज आ रही है? वो आत्मा ही होगी। आधी लाश। सर शायद आधी लाश जंगली जानवर खा गए होंगे। नहीं फ्रेडी, मुझे नहीं लगता कोई जंगली जानवर खा गया है, क्योंकि अगर कोई जंगली जानवर इस लाश को खाता तो काटने के निशान दिखते। नहीं नहीं नहीं, छाती के निचला हिस्सा देखो, कितने सफाई से काटा है, गायब है निचला हिस्सा। हाँ सर, अगर किसी जानवर की वजह से इसकी मौत होती तो इसके शरीर पर नाखून और दांत के निशान भी तो होते। एग्जैक्टली वही तो, और फिर इस जंगल में कोई जानवर है भी नहीं। जानवर नहीं है सब, मगर इस जंगल में खूनी आत्मा है, उन्होंने इसे मारा है। खूनी आत्मा है? चुप, कोई खूनी आत्मा नहीं होती, समझे? इस लड़के को किसी इंसान ने मारा है, इंसान ने मारा है। इस लाश को पहले तुमने ही देखा था ना? हाँ साहब। तुम जानते हो इसे, पहले कभी देखा है? जी साहब, 3 दिन पहले रात 11 बजे को देखा था। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं यहाँ से किसी तरह बच निकला, नहीं तो यहाँ पर एक नहीं दो दो लाशें पड़ी होती। अच्छा, ये मुन्ना तुम्हारे लिए काम करता? हाँ साहब, इसे मैंने जंगल से शहद लाने के लिए रखा है, आज 3 दिन से ये काम पे नहीं आया, डर के मारे आज मैंने इसे जबरदस्ती काम पे भेजा है। और मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि और सर इतना डरा हुआ था फिर मैंने आपको खोल किया। सर सर हाँ क्या है पूरी? सर यहाँ पर इसके सर के पीछे एक चोट का निशान है। हाँ हो सकता है इसकी मौत की वजह यही हो। हाँ हो सकता है। और सर हाँ? इसके गर्दन पर और इसके शरीर पर काफी सारे निशान हैं। अच्छा हाँ, ये तो जलने के निशान लगते हैं।
जलने के निशान है। है ना, बड़ी अजीब बात, इस लड़के की छाती का निचला हिस्सा गायब है, इसके सिर के पीछे चोट का निशान, और अब ये जलने के निशान। ये मुन्ना कह रहा था कि उसने इस लड़के को 3 दिन पहले देखा है, लेकिन ये लाश 3 दिन पुरानी नहीं लगती, इसे 3 दिन पहले नहीं मारा है, हाल ही में मारा है। सर, सर वहां पास झाड़ियों में एक कंटेनर मिला है। केमिकल की बदबू है सर। मैंने आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में पता किया है सर, हाल फिलहाल किसी के भी गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। कैसे पता चलेगा सर ये लड़का है कौन? 3 दिन से लड़का गायब है, मगर किसी भी पुलिस स्टेशन में इसके गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई है। लगता है ये लड़का बाहर से ही आया यहाँ पर। सर हाँ, यहाँ नजदीक में एक मेडिकल कॉलेज है, वहां पे बहुत सारे लड़के बाहर से पढ़ने आते हैं। मेडिकल कॉलेज? कहीं ये लड़का उस मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट तो नहीं? मेडिकल कॉलेज, ये तो मृणाल है, हमारे कॉलेज का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। ओह गॉड, इतनी भयानक मौत। मौत नहीं, खून। खून किसने किया सर? उसी का पता करना है। आप जरा मृणाल के करीबी दोस्तों को यहां बुला सकते हैं? जी जरूर। हेलो जोशी। हाँ, वो हमारे फर्स्ट ईयर के जो 3 स्टूडेंट्स है ना, गगन, दीप और कुणाल, हाँ तीनों को तुरंत मेरी ऑफिस भेजो। हाँ हाँ, अर्जेंट। सर ये तीनों मृणाल का बहुत ही करीबी दोस्त है। हमें मृणाल का कमरा भी चेक करना पड़ेगा। श्याम, श्याम इनको मृणाल के कमरे तक ले जाओ। रेडी, कमरा अच्छे तरीके से चेक करना, देखो कुछ मिलता है क्या। ये सर। वैसे आपने आखिरी बार मृणाल को कब देखा था? जी यही कुछ 3 दिन पहले। 3 दिन से मृणाल गायब है और आपने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की? सर अक्सर होता ये है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो है मेडिकल स्टडीज को कोप नहीं कर पाते तो कॉलेज छोड़कर भाग जाते हैं, तो हमने सोचा मृणाल के केस में भी यही हुआ होगा। फिर भी उसके घर वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए आपको। जी सर, मृणाल के माता पिता नहीं है। मैं कमिंग सर। कमिंग कमिंग। आपने बुलाया सर? इंस्पेक्टर अभिजीत है, CID से। CID? हाँ CID। एक्चुअली आपके दोस्त मृणाल का खून हो गया है। What? जी हाँ, हमें उसकी लाश जंगल में इस हालत में मिली। ये नहीं हो सकता सर, मैं मृणाल नहीं मर सकता सर, सर मृणाल नहीं मर सकता। आखिरी बार कब मिले थे आप लोग मृणाल से? तो 3 दिन पहले सर। कितने बजे? डिनर करने के बाद सर, लगभग रात के 10 बज रहे होंगे उस वक्त। उस समय मृणाल कुछ घबराया हुआ या परेशान लग रहा था? नहीं सर, बिल्कुल परेशान नहीं था। वो खाना खाने के बाद हम लोग सब सोने चले गए और फिर वो नेक्स्ट डे कॉलेज भी नहीं आया सर। आप सब करीबी दोस्त, खाना खाने के बाद आप सब सोने चले गए और मृणाल जंगल पहुंच गया जहां उसकी मौत हो गई, कैसे? सर उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। किसी के साथ तो होगी, वरना उसका इस तरह खून नहीं होता। सर, मृणाल के कमरे में सिर्फ कुछ किताबें मिली है, आत्माओं और दूसरी दुनिया की शक्तियों के बारे में है। मृणाल ये आत्माओं वाली किताबें बहुत पढ़ता था, वो इस दूसरी दुनिया के रहस्य को जानना चाहता था सर। और सर हो सकता सर वो जंगल भी इसीलिए गया हो सर। सर लोग कहते हैं जंगल वाले कब्रिस्तान में सर आत्माएं भटकती है सर। जंगल वाले कब्रिस्तान में भटकती आत्मा है? लेकिन इतनी रात को वो कंपाउंड से बाहर गया कैसे? रात को गेट तो बंद हो जाते। बाहर तो वो गया है मुकेश जी, लेकिन बंद गेट से बाहर कैसे गया ये पता करना है। सर
वो रहा गेट। सर, जंगल में जाने का सबसे आसान रास्ता यहीं से। मृणाल जरूर इसी गेट से बाहर गया होगा। ये समझ में नहीं आ रहा है सर, मृणाल रात को अकेले जंगल में करने क्या गया होगा? मंगलवार की रात तुम्हारी ड्यूटी थी इस गेट पे? हाँ साहब, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक मेरी ही ड्यूटी रहती है इस गेट पे। तो मृणाल जंगल कैसे गया है? क्यों जाने दिया तुमने उसे? अरे साहब, मृणाल क्या, इस गेट से कोई बाहर नहीं जा सकता। यहाँ से दिन में बाहर जाने का परमिशन नहीं है साहब, रात को कैसा जाएगा? अरे तो फिर वो कॉलेज के कंपाउंड से बाहर गया कैसे? साहब वो जरूर सामने वाली गेट से बाहर गया होगा। देखो, वहाँ के गार्ड ने हमें बताया कि उस रात उस गेट से कोई बाहर नहीं गया। कहीं तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैं क्यों झूठ बोलूंगा मैडम, इतने साल हो गए मुझे यहाँ ड्यूटी करके। अच्छा, अगर मृणाल इस गेट से बाहर नहीं गया तो कंपाउंड से बाहर जाने का कोई रास्ता जरूर होगा। ये देखिए सर, यहाँ पे दीवार टूटी हुई है, मृणाल शायद यहीं से बाहर गया होगा। निकालो इसको। यहाँ से तो जंगल बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, तो यहीं से गया होगा। एक मिनट, ये देखा, जूतों के निशान, शायद मृणाल के होंगे। सर, 3 अलग अलग जूतों के निशान। मतलब सर, मृणाल के साथ 2 और लड़के थे जो जंगल के अंदर गए थे। मृणाल के साथ में थे या उसके पीछे पीछे गए, ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल तुम ये जूतों के निशान उठा लो और कॉलेज में जितने भी लड़के हैं उनके साथ मैच करके देखो। क्या हुआ है? तेरा मुंह लटका हुआ क्यों है? चारिका, क्या बात है, ये डॉक्टर साहब के उदास क्यों है? तुमने डांट वाट तो नहीं दी? क्या बात करो दया, मैं कैसे उन्हें डांट सकती हूँ? अरे तो फिर बात क्या है, हैं? साहब के क्या परेशानी है बता। सर, लगता है सालूम के साहब हमेशा की तरह लाश को लेकर किसी मुसीबत या पहेली में पड़ गए होंगे। तो क्या हुआ, ऐसे तो होते ही रहता है, पर कोई ना कोई रास्ता तो निकलता ही है ना। किसी उलझन या पहेली में नहीं फंसा है सालूम के। तो फिर इस बार सब कुछ बहुत आसानी से पता चल गया। लाश का निचला हिस्सा इसलिए गायब है क्योंकि खूनी ने हाइड्रोप्रोपिलीन एसिड की मदद से वो हिस्सा गला दिया। हाइड्रोप्रोपिलीन एसिड? हाँ सर, जंगल में से आप लोगों को जो कंटेनर मिला था उसमें से हमें हाइड्रोप्रोपिलीन एसिड के कुछ ट्रेसेस मिले। लगता है खूनी ये चाहता था कि मृणाल की लाश को हाइड्रोप्रोपिलीन एसिड में गला दे, लेकिन लगता है वो एसिड कम पड़ गया होगा इसलिए मृणाल की लाश आधी जल गई। मगर सर, उसने एसिड से ही क्यों जलाया? अगर आग लगाते तो शायद जंगल को आग लग जाती या फिर लोगों को पता चल जाता। अच्छा, उस कंटेनर के ऊपर से कोई निशान? नहीं, खूनी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि कंटेनर पे उसकी उंगलियों के निशान ना आए। अच्छा, मृणाल की मौत हुई कब? 20 से 24 घंटे पहले। 20 से 24 घंटे पहले? पर सर, मृणाल तो 3 दिन से गायब था। वही तो, मतलब खूनी ने मृणाल को कहीं पर 2 दिन के लिए
मारने से पहले बंद करके रखा था। मृणाल की मौत हुई कैसे? तारिका तुम बताओ, मेरा ज्यादा बात करने का मन नहीं है। अब सर, मृणाल की मौत सर पर आई हुई इस चोट की वजह से ही हुई। हथौड़ा जैसे किसी भारी चीज से वार किया गया इसके सर पर, इसे मारने के लिए। मतलब खूनी ने पहले मृणाल को मारा और फिर हाइड्रोप्रोपिलिन एसिड में इसकी लाश को गला दिया। हाँ सर, क्योंकि अगर एसिड से मारा होता तो इसके हार्ट में हमें एसिड के कुछ अंश मिलते, लेकिन इसका हार्ट तो बिल्कुल साफ है। इसका मतलब खूनी ने पहले उसे मारा फिर एसिड से इसे जलाया। सर ये काम मेडिकल कॉलेज में से किसी का है सर, वरना ये हाइड्रोप्रोपिलिन एसिड इतने आसानी से कहां मिलेगा। बिल्कुल सही दया, बिल्कुल सही। सर हमें अपने सवालों का जवाब मिल गया है, मगर डॉक्टर सालुंके को क्या हुआ है? जब तक तो मुझे पता नहीं चलेगा सर, पेट में गड़बड़ होती रहेगी। तुम जाकर पूछो। यार सालुंके क्या परेशानी है बता, हम लोग कुछ मदद कर सकते हैं? आप लोगों में से कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं यार। अरे come on डॉक्टर साहब, आप एक सीआईडी वाले हैं, मुश्किलों का सामना करना तो हमारे लिए रोजमर्रा की बात है। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना तुम्हारी? बेटा जिस दिन गर्लफ्रेंड का बर्थडे भूल जाओगे ना, तब समझ में आएगा असली मुसीबत का सामना करना किसे कहते हैं। तो ये बात है, रात दिन इस लैब में बैठा रहता हूं, बस भूल गया बर्थडे। सर पहले आप उन्हें एक छोटी सी गिफ्ट दीजिए और फिर कहीं अच्छी जगह पे कैंडललाइट डिनर के लिए ले जाइए, फिर देखिएगा उनकी नाराजगी कैसे चुटकियों में दूर हो जाएगी। यस यस, ये आइडिया अच्छा है। ठीक है, मैं कैंडललाइट डिनर का इंतजाम करता हूं, तब तक आप लोग पता लगा लेंगे कि हाइड्रोप्रोपिलिन एसिड उस कॉलेज में से चुराया किसने। सर मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, इस गिरोह ने जूम के पीछे कॉलेज के किसी अंदर वाले का हाथ है। कोई ऐसा अंदर वाला जो आपकी लैब में हाइड्रोप्रोपिलिन एसिड तक आसानी से पहुंच सकता है। आइए सर। यस लोग, ये सीआईडी वाले आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने खून नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूँ। अरे अभी तो हमने पूछा नहीं आपसे कि आपने खून किया या नहीं। फिर मैं जानता हूँ सर, आप मुझ पे ही शक करेंगे। देखो अगर तुम बेगुनाह हो तो डरने की जरूरत नहीं है। ये बताओ ये हाइड्रोप्रोपिलिन एसिड कहाँ रखा जाता है? आइए सर मैं दिखाता हूँ। भरे हुए है ना, खाली तो नहीं? हाँ सर नया स्टोर है। चार कंटेनर। सर इन्वेंटरी लिस्ट के मुताबिक 5 कंटेनर्स होने चाहिए। 5? ये 5 कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। अरे तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा, तुम इंचार्ज हो ना लेबोरेटरी के। सर मेरे अलावा मुकेश सर और हरीश जी के पास भी चाबी रहती है। ये हरीश जी कौन है? जी वो हमारे यहाँ के केमिस्ट्री के प्रोफेसर है सर। बुलाइए हरीश जी को। लेकिन सर वो तो पिछले कई दिनों से कॉलेज नहीं आ रहे। नहीं आ रहे? कब से? जिस दिन से मृणाल की मौत हुई है उसी दिन से। और ये बात आपने हमें बताई नहीं, क्यों? सर मुझे नहीं लगता था कि मृणाल की मौत के पीछे उनका हाथ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर,
अभी कुछ दिन पहले ही हरीश जी ने मृणाल को जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी दी थी? क्यों? जी वो दो हफ्ते पहले मृणाल ने मुकेश जी से हरीश सर की शिकायत कर दी थी। क्या क्या चक्कर क्या है सर? वो प्रोफेसर हरीश को सर शराब की ना बुरी आदत लग गई थी सर। कई बार वो कॉलेज में भी लेक्चर में भी शराब पीकर आते थे, तो जिस दिन मृणाल ने मुझे उनके बारे में बताया तो सर मैंने उनको एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया था सर। तो इस बात का बदला लिया प्रोफेसर हरीश ने। रहते कहाँ हैं? दरअसल वो बॉयज हॉस्टल के इंचार्ज भी है, तो यही हॉस्टल में रहते हैं। बॉयज हॉस्टल। हरीश के जूते मिल गए। हाँ तो? सर जूतों पे कहीं कहीं छेद हैं। ये तो जले हुए के निशान हैं। सर कहीं ये निशान हाइड्रोप्रोपिलीन एसिड से तो नहीं बने? हो सकता है, बाष्प पे डालते वक्त दो चार बूंदें जूते पे गिर गई। यहाँ खड़े हो जाए। सर मैंने सभी स्टूडेंट्स के जूते चेक किए, किसी के भी जूते जंगल में मिले निशान से मैच नहीं होते। अच्छा? हाँ सर, मगर सर प्रोफेसर हरीश को आखिरी बार इन दोनों ने देखा है। क्या देखा तुम लोगों? सर मंगलवार की रात को मैंने हरीश सर को हॉस्टल से बाहर जाते हुए देखा था। वो बहुत घबरा हुए थे और बहुत जल्दी में भी थे। घबराए हुए? कितने बजे की बात है? सर रात को करीब 11 बजे होंगे। सर कहीं हरीश जी जंगल की तरफ तो नहीं जा रहे थे? वहीं गए होंगे, जूतों में मिट्टी भी तो लगी है। जूता फॉरेंसिक लैब भेजो, देखो सालुंग के साथ क्या कहते हैं। सर डॉक्टर सालुंगे की रिपोर्ट आ गई है। हरीश के जूते पे जो जलने के निशान मिले थे वो हाइड्रोप्रोपिलीन एसिड से ही हुए थे। मतलब पक्का हो गया सर, हरीश ने ही मृणाल को मारकर उसे हाइड्रोप्रोपिलीन एसिड से जलाया है। पर वो जो तीन जूतों के निशान मिले थे उनका कुछ पता चला? हाँ सर, उनमें से कोई भी निशान हरीश के जूते के साथ मैच नहीं होता है। हरीश के जूते से कोई भी निशान मैच नहीं होता, इसका मतलब है मृणाल को हरीश जंगल में नहीं लेकर गया था, कोई और दो लोग हैं जो उसे लेकर गए थे। सर ऐसा भी हो सकता है कि हरीश ने किसी को पैसे दिए हो मृणाल को वहां ले जाकर मारने के लिए? ये भी हो सकता है ना फ्रेडी, ये खूनी कोई और ही है, उसने हरीश के जूतों पर हाइड्रोप्रोपिलीन एसिड डाल और फिर उसे गायब भी कर दिया ताकि सारा इल्जाम हरीश पर आ जाए और हम गुमराह हो जाए। सर हमने गुमराह करने में शायद उस कॉलेज के कुछ सीनियर स्टूडेंट्स का ही हाथ है सर। सीनियर स्टूडेंट्स का? हाँ सर, हमने उस कॉलेज की पूरी कुंडली निकाली। ये कॉलेज रैगिंग के लिए बहुत बदनाम रहा है सर। 3 साल पहले रैगिंग के दौरान प्रणय नाम के एक स्टूडेंट की मौत हो गई थी उस कॉलेज में। तो कितने स्टूडेंट गिरफ्तार हुए थे? लोकल पुलिस को कोई खास सबूत नहीं मिला और केस बंद हो गया। और सर 2 साल पहले भी एक स्टूडेंट कॉलेज से गायब हुआ था सर, वो आज तक नहीं मिला। बड़ी अजीब बात है, इस कॉलेज में स्टूडेंट गायब हो रहे, प्रोफेसर हरीश भी गायब हो गया है। इस कॉलेज में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और सर पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से प्रणय की मौत में जिन सीनियर स्टूडेंट से पूछताछ की गई थी हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो कॉलेज में नहीं थे, किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए गए हुए थे। क्या नाम है उस स्टूडेंट्स का? सर सुमित, राहुल और गौतम। सुमित और राहुल और गौतम। जंगल का एक एक कोना छान और एक एक कोना, कोई भी जगह बचनी नहीं चाहिए। अच्छी तरह से देखो, जा।
अपूर्वी कुछ मिला क्या? सर ये देखिए सब खून की बूंदे यहाँ पर और यहाँ पर। ये देखो पूर्वी पत्थर, इतना बड़ा पत्थर, उस पर खून लगा हुआ है। सर डॉक्टर तारिका ने कहा था कि मृणाल की मौत सर पर वार करने की वजह से हुई थी। हाँ, लगता है इसी पत्थर से मृणाल के सिर पर वार किया गया है। देखो जरा अच्छी तरह से आसपास। हमारा यकीन कीजिए सर, मृणाल की मौत में हमारा कोई हाथ नहीं है। हाँ सर, हम तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, किसी के खून का हम सोच भी नहीं सकते। तुम लोग इतने बोले हो नहीं जितना बनने की कोशिश कर रहे हो। प्रणय की रैगिंग की थी ना तुम लोगों ने 2 साल पहले। सर माना 2 साल पहले हमने प्रणय की रैगिंग की थी और मृणाल की भी की, लेकिन हमने किसी को नहीं मारा सर। सर हमारा शक यकीन में बदल गया है। कंपाउंड वॉल के पास जो 3 जूतों के निशान मिले थे उनमें से 2 इनके हैं, राहुल और गौतम। नहीं सर। क्या तुम लोगों ने नहीं मारा मृणाल को? सर हम लोग उस दिन जंगल गए जरूर थे, लेकिन हम सिर्फ इसलिए गए थे ताकि हम उसे डरा सके। सर डरा सकूं? हाँ, हम जानते थे कि मृणाल को आत्माओं से बहुत डर लगता है, तो हमने सोचा क्यों ना उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया जाए। मुझे भूतों और आत्माओं से कोई डर नहीं लगता, वो तो मुझे इस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है, तब मैं ये सब किताबें पढ़ता हूँ। अच्छा, अगर तुझे वाकई आत्माओं से डर नहीं लगता तो एक काम कर बेटा, कॉलेज के पास वाले जंगल में तो जाके दिखा। क्या? हाँ, अभी इसी वक्त जंगल में जाके दिखा, जा। लेकिन अभी तो रात के 10:30 बज रहे। तो क्या दोपहर को जाएगा? आत्मा तो रात को ही भटकती है ना। ठीक है, पर आप लोगों को भी वादा करना होगा कि अगर मैं ये काम करके आ गया उसके बाद आप लोग मेरी कभी रैगिंग नहीं करेंगे। वादा कीजिए। ठीक है, वादा रहा। वादा। और हाँ, जंगल में पुराना कब्रिस्तान है ना, वहां से एक टूटा पत्थर लेके आ। उसके बाद मैंने उसे जंगल वाले कब्रिस्तान तक पहुंचने का खुफिया रास्ता बताया सर, और सर उसके बाद मैं आत्मा बन के वहां गया। नहीं, 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 मुझे मत मारो प्लीज। नहीं, 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 नहीं। सर उसके बाद अगली सुबह हम लोग कॉन्फ्रेंस में आ गए सर। सच कह रहा हूँ सर, उसके बाद मृणाल के साथ क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता सर। शर्म आती है मुझे तुम तीनों को अपना स्टूडेंट बताते हुए। तुम तीनों इस कॉलेज के नाम पर एक धब्बा हो। सर सर हमने तो सिर्फ रैगिंग की थी, हमने मृणाल की जान नहीं ली थी। आप ही कह रहे थे ना कि मृणाल का खून उस रात नहीं बल्कि 2 दिन बाद हुआ था। आप चाहे तो पूछ लीजिए, उस वक्त हम तीनों कॉन्फ्रेंस में थे। तुम लोग कितना सच कह रहे हो और कितना झूठ ये तो हम पता लगा ही लेंगे। ये क्या है? पलटाओ इसे, पलटाओ, संभल के। सर सर ये तो हरीश है। हरीश? हाँ सर, मेडिकल कॉलेज की केमिस्ट्री का प्रोफेसर। सर अभी तक तो हम सोच रहे थे कि हरीश मृणाल का खूनी है,
लेकिन यहाँ तो किसी ने इसी का खून कर दिया। वही तो, जरूर हरीश मृणाल के खूनी को जानता होगा। मृणाल के खूनी को जानता होगा, इसीलिए उस खूनी ने हरीश को अपने रास्ते से हटा दिया। और है कौन ये जिसने मृणाल को भी मारा और अब हरीश को? क्या कहा था उनके 48 घंटे पहले? ठीक है, थैंक यू। दया, हरीश ने मृणाल को नहीं मारा, क्योंकि हरीश की मौत मृणाल की मौत के 48 घंटे पहले हुई है। हमारा अंदाजा ठीक निकला सर। असली खूनी सारा शक हरीश पे डालना चाहता है ताकि वो खुद बचा रहे। हाँ, लेकिन अब ज्यादा दिन नहीं बचेगा, वो खुद के बुने हुए जाल में फंसने वाला है। हाँ सर, हरीश ने गुस्से में आकर मृणाल को मारने की धमकी दी थी, इसी बात का फायदा उठाया होगा खूनी ने। ये खूनी जरूर उसी कॉलेज का है, उसी कॉलेज का ही है। सर, आपको ऐसा क्यों लगता है? सीधी बात है पंकज, जरा सोचो, ऐसे कैसे किसी को पता चल सकता है कि प्रोफेसर हरीश ने मृणाल को धमकी दी थी जान से मारने की? दूसरी बात, प्रोफेसर हरीश के जूतों पर हाइड्रोप्रोपिलीन एसिड कैसे डाला जा सकता है अगर वो जूते उन्होंने पहन रखे थे? ये तो तभी डाला जा सकता है ना जब उनके जूते कमरे में। इसका मतलब है कि ये जिसने भी किया है वो आस पास का ही कोई है, उसी कॉलेज का। एक गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है सर। अगर दोनों खून एक ही आदमी ने किया है तो उसने हरीश को पहले क्यों मारा, मृणाल को 2 दिन के बाद मारा क्यों? इसके पीछे कोई ना कोई ठोस वजह जरूर होगी सर। कोई तो वजह है दया, कोई तो वजह जरूर है। सर, सुमित, राहुल और गौतम का पूरा बायोडाटा इस फाइल में है। सर, तीनों को कभी पढ़ाई में दिलचस्पी थी ही नहीं, यहाँ तक कि कॉलेज के एडमिशन के लिए भी तीनों के परिवार वालों ने लाखों रुपए दिए डोनेशन के लिए। कॉलेज के जिन सीट्स पे होनहार विद्यार्थियों का अधिकार है, ये कॉलेज वाले उन सीट्स का इस तरह से सौदा कर रहे हैं। सर, सिर्फ सीटों का सौदा नहीं दया, बच्चों के भविष्य का भी सौदा। ये क्या है, पिछले 2 साल से पढ़ाई में टॉपर सुमित? हाँ सर, 2 साल पहले फेल होता था पर अब अचानक हर एग्जाम में टॉप कर रहा है। ओह, लगता है बच्चा सुधर गया, पढ़ाई करने लग गया। अचानक बच्चा सुधर गया पढ़ाई में? ये बात गले से नीचे नहीं उतरती। सुमित को जो मार्क्स मिले हो उसके पढ़ाई के लिए नहीं, किसी और काम के लिए मिले हैं। किसी और काम के लिए सुमित? सर, कबर्ड में मेडिकल की एक भी किताब नहीं है, सिर्फ कॉमिक्स और मैगजीन्स। समझ में नहीं आता ऐसे बच्चे टॉप कैसे कर सकते हैं। जरूर इस सुमित का कुछ ना कुछ हाथ है इस गुनाह में, जिसका इनाम उसे एग्जाम में मिल रहा है मार्क्स के रूप में। ये देखिए सर, अलमारी के ऊपर ये फाइलें छुपा के रखी हुई थी। मेडिकल रिपोर्ट? ये तो स्टूडेंट्स की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। पर सर, इनका यहाँ क्या काम? मृणाल की भी मेडिकल रिपोर्ट है यहाँ पे। सर, सुमित का भी कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, और साथ ही एक्सीडेंट भी गायब है। कौन? दर्शन। दर्शन? दर्शन की भी मेडिकल फाइल यहाँ पे है। सर, इन फाइल्स का खून से कोई कनेक्शन तो नहीं है? कुछ ना कुछ तो लेना देना है फ्रेडी। सुमित को आखिरी बार आप लोगों ने कब देखा था? नहीं, कोई 1-1.5 घंटा पहले सर। 1-1.5 घंटा पहले, मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। कॉलेज के बाहर पूछताछ करते हैं। इनको कहीं देखा है? यहाँ कहीं आसपास? कहीं भी? सुनो, इसको देखा है आपने? इसको? हाँ साहब, ये लड़का तो इसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, अक्सर मेरी ही दुकान पे चाय पीने के लिए आता है। अच्छा, आखिरी बार कब देखा था इसे तुमने? 1 घंटे पहले देखा सर, लेकिन बड़ा परेशान दिख रहा था। परेशान?
अच्छा? हाँ साहब, एक घंटे बैठे बैठे कुछ सोच रहा था, चाय भी नहीं पी और फिर उठ के चला गया। कहाँ गया, कुछ पता आपको? हाँ मैडम, वो जो दवाई की दुकान दिख रही ना, वहाँ पे गया है। ओके, थैंक यू। ये सुमित है, अभी थोड़ी देर पहले आपकी दुकान पे आया था। हाँ सर, ये यहाँ अक्सर आता रहता है, लेकिन आज मेरा इससे झगड़ा हो गया। झगड़ा? किस बात को झगड़ा हुआ? सर, ये कुछ ऐसी दवाई खरीदना चाहता था जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के देना गैर कानूनी है सर, और मैंने जब देने से इनकार कर दिया तो मुझे दुगने पैसे देने लगा। तो आपने दुगने पैसे लिए तो नहीं उससे? नहीं नहीं सर, अगर लालच के सामने इंसान का ईमान बीत जाए तो इंसान किस काम का सर, मैंने तो साफ मना कर दिया। अच्छा, ये कौन सी दवाइयाँ हैं जो ये खरीदना चाहता था? सुनो, एक दवाई थी वो सैंडल ओजोन और दूसरे का नाम था हॉलीवेल ट्रिम डिक्साइड। ये दवाएँ किस चीज़ के लिए होती हैं? सर, यदि मरीज को इन्फेक्शन हो जाए तो उसे रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन्फेक्शन रोकने के लिए? पर सर, सुमित तो बिल्कुल हट्टा कट्टा था, उसे इन दवाइयों की क्या जरूरत? हो सकता है श्रेया ये दवाएं किसी और के लिए लेने आया हो। ये सुमित यहाँ अकेला आया था, उसके साथ में कोई और भी था? सर अकेला ही आया था, लेकिन हाँ वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। फोन पर बात कर रहा था? कुछ सुना आपने, क्या बातें चल रही थी? हाँ सर, कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो, ये दवाइयाँ किसी भी हाल में लेकर मैं आधे घंटे में फार्म हाउस पहुँच जाऊँगा। आधे घंटे में? सर, यहाँ से आधे घंटे की दूरी पे मांडवा फार्म्स शुरू हो जाते हैं, कई सारे फार्म हाउसेस हैं वहाँ पे, हो सकता है सुमित वहीं गया हो। मांडवा फार्म हाउस? सर 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 सर, मुझे बहुत डर लग रहा है, सीआईडी को मुझ पर शक हो गया, प्लीज मुझे मेरे पैसे दे दो ताकि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ। एक बार ये ऑपरेशन सफल हो जाए तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, फिर तुम्हें जहाँ भी जाना हो चले जाना। दर्शन बेटा, बिल्कुल मत घबराओ, देखना तुम्हें पता तक नहीं चलेगा कि मैंने कैसे तुम्हें इतनी गहरी नींद सुला दिया। बस कुछ और लम्हे, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल जाती है। बहुत हो चुकी लुका छिपी, जरा अपना मुखड़ा तो दिखाओ। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मुकेश, रात से कहा सुमित बेटा, मैं तुम्हें टॉप करवाता हूँ एग्जाम। नाम इतना बड़ा, काम इतना। सर, मृणाल और हरीश दोनों की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। सर दरअसल मेरा बेटा पिछले 3 साल से डायलिसिस पर है, दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती जा रही है। मैं किसी भी हाल में अपने बेटे को एक नई जिंदगी देना चाहता था, और इसी मकसद से मैंने सुमित को एक काम सौंपा था कि कॉलेज के सारे बच्चों के मेडिकल रिपोर्ट्स इकट्ठा करके मेरे पास लाए। और सर रिपोर्ट से पता चला कि मृणाल की किडनी मेरे बेटे की किडनी से परफेक्ट मैच करती थी। और इसलिए तुमने मृणाल को जंगल में भेज दिया इस सुमित के साथ? हाँ सर, और उसके बदले में मैंने सुमित को कॉलेज के सारे एग्जाम्स में टॉप करवाया था, न सिर्फ इतना बल्कि ऐसो की लालच भी दी थी ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। मृणाल की किडनी निकालने के बाद तुमने उसकी लाश को हाइड्रोप्रोपिलीन एसिड से जलाने का प्लान बनाया? हाँ सर, लेकिन उस दिन में मृणाल की बॉडी को पूरी तरह से जला नहीं पाया था, और इसीलिए आपको जंगल से उसकी आधी जली हुई बॉडी मिली। तुम्हें मृणाल और हरीश के झगड़े के बारे में पता था, इसलिए हरीश को मोहरा बनाया, उसको मार के उसकी लाश जंगल में ठिकाने लगा दी ताकि लोगों को लगे कि इसके पीछे हरीश का हाथ है। सर, तुम्हें मृणाल की किडनी तो मिली गई थी, तो फिर दर्शन की किडनी की क्या जरूरत पड़ी तुम्हें? वो ऑपरेशन के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुई थी, तो मैं मृणाल की किडनी अपने बेटे के बॉडी में ट्रांसफर नहीं कर पाया था सर। तो मैं क्या करता सर, कोई भी बाप अपने बेटे को इस तरह तड़प तड़प के मरते हुए कैसे देख सकता है? और इसलिए तुमने दूसरों के बच्चों की जाने ली, मासूम बच्चों की जाने ली, अपने बेटे को नई जिंदगी देने के लिए। भूल गए कि तुम एक डॉक्टर हो मुकेश,
एक डॉक्टर तो जान बचाता है, मगर तुमने तो डॉक्टर शब्द का मतलब ही बदल दिया। और सुमित तुम गलत काम में तुमने मुकेश का साथ दिया, इसलिए इस जुर्म में तुम भी बराबर के हिस्सेदार हो। दोनों को तो फांसी ही होगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.